जब ये मूवी थिएटर्स में आई थी मैं उसको नहीं देख पाया था, लेकिन मैंने सोचा था कि यार जिस दिन ये मूवी ओटीटी पर आएगी उसी दिन उसी वक्त मैं इस मूवी को देख लूंगा। और हुआ भी ऐसा, जिस दिन ये ओटीटी पर आती है मैं इस मूवी को उसी दिन देख लेता हूँ। लेकिन रिव्यू इसका लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पता है कि मेरी आदत हमेशा रिव्यू लेट करने की है, आलसी जो ठहरा। खैर, जो आज की इस वीडियो में बात करेंगे महाराजा मूवी के बारे में, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, इसकी जो लेंथ है वो 2.5 घंटे के आसपास रखी गई है। मेन कलाकार के अंदर आपको जो नजर आने वाले हैं विजय सेतुपति जी सर हो गए, इसके अलावा अनुराग कश्यप हो गए। मुझे नहीं लगा था कि कभी मैं अनुराग कश्यप की तारीफ करूंगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अभी आप इस वीडियो में जब आगे चलेंगे तब आपको पता चल जाएगा। खैर, मूवी कितनी अच्छी है, कितनी इसके अंदर कमियां हैं, इसके ऊपर जाने से पहले हम इसकी कहानी की चर्चा कर लेते हैं। तो एक बार्बर यानी एक नाई है जिसका नाम महाराजा है और जिसको प्ले किया है विजय सेतुपति जी ने। जो ये महाराजा बड़ा ही सिंपल इंसान है, मतलब अपने काम से काम रखता है, उसकी एक शॉप है, अपने घर पे जाता है, उसकी एक बेटी है, बस उसको और किसी से कुछ भी मतलब नहीं है। लेकिन एक दिन इसके घर पे यानी महाराजा के घर पे चोरी हो जाती है और इसके घर से लक्ष्मी चोरी हो जाती है। अब ये लक्ष्मी क्या है, क्या कोई पैसा है या फिर कोई ऐसी वस्तु है या फिर क्या है, ऐसी चीज है, मतलब ये एक मिस्ट्री है। अब मैं नहीं बता सकता, बिल्कुल भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया तो आपको स्पॉइलर मिल जाएगा। और मैं चाहता हूं कि आपको कोई भी स्पॉइलर ना मिले और आप जितना कम इस मूवी के बारे में जानेंगे आपको उतना ही ज्यादा एंजॉय आप इस मूवी को करने वाले हो। तो लक्ष्मी को ढूंढने के लिए एक तरीके से रेस लग जाती है, बस इतनी ही कहानी समझ लो इस मूवी की। अब आप सोचोगे यार ये क्या कहानी हुई। देखो, जितना ट्रेलर के अंदर जितना IMDB के ऊपर लिखा हुआ मैंने उतनी ही बताई है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार मेरी तरफ से आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन इस मूवी के बारे में ज्यादा कुछ पता चले, क्योंकि मैंने कहा ना जितना आप इसके बारे में जानेंगे कम उतना ही ज्यादा आपको एंजॉय होने वाला है। तो अब बात करें कि मूवी में क्या अच्छा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो इसकी जो स्टोरी है, आप सोचोगे क्या बस यही स्टोरी है, नहीं। एक्चुअल में जो इसका ट्रेलर है या जो मैंने आपको जितनी कहानी बताई है और जो मूवी आप देखते हैं, मूवी के अंदर जो कहानी मिलती है उनके अंदर जमीन आसमान का फर्क है। 20 से 25 मिनट तो आपको यही समझ में नहीं आएगा कि मूवी चल क्या रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि मूवी दिमाग खराब कर देती है, ऐसा नहीं है। आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि यार इस मूवी की कहानी आखिर होने क्या वाली है, आप दिमाग लगाने की कोशिश करोगे और सच कहूं कोई भी फायदा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेकर्स हैं इस मूवी के उन्होंने एक तरीके से ऑडियंस को कहा है कि बस चुपचाप बैठो, मूवी को देखो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो हम दिखा रहे हैं चुपचाप देख लो, आपको बहुत मजा आने वाला है। ऐसा मुझे फीलिंग आया कि मूवी के मेकर्स ने ऐसा सोचा होगा दर्शकों के लिए। और जब इसका मेन जो कहानी है कि भाई एक्चुअल में ये मूवी की कहानी है तब आपको पता भी चलता है। लेकिन आप सोचेंगे यार इसकी एंडिंग तो ऐसी होगी, आप प्रेडिक्ट करने की कोशिश करोगे, लेकिन नहीं, आप उसकी एंडिंग भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इस तरीके की मूवी बनाई है। और सच कहूं मेरा दिल तो कर रहा है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत इसकी कहानी के बारे में बता दूं, लेकिन फिर मैं ये सोचता हूं कि यार नहीं ये गलत हो जाएगा। जब मुझे नहीं कहानी के बारे में पता था, मैंने बस इसका ट्रेलर देखा था, किसी के रिव्यू भी नहीं सुने थे ना मैंने रिव्यू पढ़े थे, बस मैं देखना चाहता था विजय सेतुपति जी के लिए मैं इस मूवी को देखने मतलब बैठा था, तो मैंने कुछ भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जाना था। और मुझे सच में इस मूवी ने बहुत ज्यादा सरप्राइज किया, ये सोचकर तो मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ बता नहीं रहा। इसकी कहानी तो काफी बढ़िया है ही, साथ में जो इसकी में परफॉर्मेंस है वो एक तरीके से आप समझो सोने पे सुहागे वाली बात होगी। विजय सेतुपति जी जिस तरीके के यहाँ पर कलाकार इन्होंने अपनी मतलब अभिनय निभाया है वो कमाल का है। आप पूरी मूवी के अंदर इसके अंदर देखेंगे उनको थप्पड़ पड़ रहे हैं, और जब उनका जो एक्चुअल दर्द है, जो सच है उनके दिल के अंदर जो उन्होंने छुपा के रखा है, जब वो सामने आता है तो उनके वो एक दर्द, वो एक तकलीफ उनके चेहरे पे दिखती है, वो इतना बढ़िया एक्सप्रेशन तरीके से आपके सामने रखा गया, वो कमाल का है। और साथ ही साथ अनुराग कश्यप, जैसे मैंने कहा इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस भी उनकी रही है, मुझे नहीं लगा था, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मुझे नहीं लगा था कि कभी मैं इनकी तारीफ करूंगा, क्योंकि जिस तरीके की मूवीज इनकी मैंने देखी है वो मुझे इतनी खास पसंद नहीं थी, लेकिन वाकई में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है इस मूवी के अंदर। उनका एक तरीके से जो कलाकार के तौर पर उन्होंने काम किया बहुत ईमानदारी से निभाया, और वाकई में वो तारीफ के काबिल है। और जो बैकग्राउंड म्यूजिक है इस मूवी के अंदर वो वाकई में जो भी सीन आते हैं, इंटेंस सीन आते हैं या सस्पेंस आते हैं, जो एक्साइटमेंट होती है उसको और ज्यादा बढ़ा देता है। यानी इतने बढ़िया तरीके से उस म्यूजिक को हमारे सामने रखा गया, मतलब एक तरीके से यूज किया गया। सिनेमेटोग्राफी मूवी की काफी ज्यादा बढ़िया है। और एक बात जो मैं दिल की गहराइयों से आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि जब मैं इस मूवी को देखकर उठा, मतलब कि काफी देर तक तो मैं बस ऐसे ही बैठा रहा कि यार मैं इस मूवी के बारे में लोगों को क्या बताऊं, जब मैं इसका रिव्यू करूं तो मैं लोगों को ऐसा क्या बताऊं कि लोग इस मूवी को देखें, क्योंकि वाकई में बहुत बढ़िया मूवी है। जो दिल दहलाने वाले जो लास्ट के अंदर सीन आते हैं, एक तरीके से आपकी मतलब मुंह खुला का खुला रह जाएगा, आप हैरान हो जाओगे यार मैंने क्या देख लिया। और ऐसा मेरे साथ हुआ, मुझे लगभग एक दिन लगा यार ये सोचने में कि मैं अपने जो रिव्यू के लिए जो चीजें लिखता हूं कि मुझे इस चीज के बारे में बात करनी है, मुझे एक दिन लग गया ये सोचने में कि मैं लोगों को क्या बताऊं, क्या इस मूवी के बारे में बताऊं, क्या इसकी कहानी के बारे में बताऊं, क्या इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बताऊं, जो बैकग्राउंड म्यूजिक इसके अंदर जो बढ़िया है उसके बारे में बताऊं, सिनेमेटोग्राफी जो इसके अंदर इतनी बढ़िया की गई है क्या उसके बारे में बताऊं, इतनी चीजें हैं इसके अंदर सबसे बढ़िया बढ़िया। खैर ये तो हो गई इस मूवी की अच्छी अच्छी बातें। वैसे इतनी बातें करते करते पसीने से बुरा हाल हो गया, पंखा बंद करके वीडियो बनानी पड़ती है वरना वो शोर आते हैं। खैर
खैर मूवी पे फोकस करते हैं, यानी इस वीडियो के जो मेन टॉपिक है उस पर बात करते हैं। अगर इस मूवी की कमियों के बारे में बात करें तो जो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी कमी या कुछ लोगों को लग सकती है वो ये कि ये मूवी जो है वो 20 से 25 या 30 मिनट जो है वो टाइम ले लेती है अपनी एक कहानी बिल्डअप करने में, वो डेवलप करने में। तो जिनके पास पेशेंस कम है, धैर्य कम है, तो शायद उनको ये थोड़ी मूवी खटक सकती है। तो मैं एक बात उनको बोलूंगा कि एक बार आप मूवी को 20 से 25 मिनट एक बार देखो। वैसे मुझे नहीं लगता कि शायद आप लोगों को इतनी भी उसके अंदर कोई कमी नजर आएगी। फिर भी जिनके अंदर पेशेंस कम होता है, जिनको लगता है कि यार तुरंत इसकी कहानी हमारे सामने आनी चाहिए, तो उनके लिए कि थोड़ा बहुत पेशेंस रखना, मूवी वाकई में बहुत ज्यादा कमाल करेगी। और मैं चाहता हूं कि आप इस मूवी को डेफिनेटली देखें। मेरी तरफ से तो देखो इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 9 out of 10। देखो यार किस मूवी को 9 मिल रहे हैं, मैं बहुत एक चूजी इंसान हूं, मुझे बहुत पसंद रेयरली चीजें आती हैं कि हां भाई मुझे इस कॉमेडी मूवी को देखा है तो इसके अंदर कॉमेडी वाकई में है, हंसा हूं या नहीं हूं, एक्शन वाकई में बढ़िया है या नहीं है, वो बहुत सोच समझ के उन चीजों के बारे में बात करता हूं। और जब इस मूवी को मैंने देखा है वाकई में ये डिजर्व करती है यार 9। एक नंबर इसलिए कम दिया क्योंकि यार नजर ना लगे ऐसा समझ लो। तो जिन्होंने नहीं देखी है वो वाकई में जाकर इस मूवी को देखो, बहुत अच्छी एक मूवी है, वेल एंजॉय करोगे आप इस मूवी को, हैरान हो जाओगे, सरप्राइज मिल जाएंगे आपको इस मूवी के जब आप देखोगे। और जिन्होंने देख लिए वो कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, उसमें कमेंट कर देना कि आपको कैसी लगी कैसी नहीं लगी। बार बार ये कहते रहता हूं लेकिन कभी कमेंट तो आते हैं ही नहीं। तो बस आज के लिए इतना था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। पसीने से बुरा हाल हो गया।